माफी भाजपा से नहीं भारत से मांगनी है, माफी जो है वो सरकार से नहीं संसद से मांगनी है। अब अगर ये सामंती सुरूर और सनक में अगर ये लोग पूरी तरह से चकनाचूर हैं तो इस बात को उनको समझ में नहीं आएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने आवास पर मीडिया से बात कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी भाजपा से नहीं भारत से माफी मांगे, सरकार से नहीं संसद से माफी मांगे। नकवी ने कहा, ये संपत्ति सुरूर और सनक से नहीं, ये लोग पूरी तरह चकनाचूर हैं। राहुल गांधी ने सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को भारतीय संसद को अपमानित करने का काम किया है, इन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है, उनके एंट्री गेट से ज्यादा एग्जिट गेट पर लाइन लगी हुई है। और क्या कुछ कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने, आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। देखिए भैया, माफी भाजपा से नहीं भारत से मांगनी है, माफी जो है वो सरकार से नहीं संसद से मांगनी है। अब अगर ये सामंती सुरूर और सनक में अगर ये लोग पूरी तरह से चकनाचूर हैं तो इस बात को उनको समझ में नहीं आएगा। आप जो है वो विदेश में जा कर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को और भारतीय संसद को अपमानित करने का काम करते हैं, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, उसके बाद चोरी होसी नजोरी, उसके बाद कहते हैं जी हमने तो जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। तो जब तक ये सामंती सुरूर और इस तरह के सनकी गुरूर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उनका यही हाल होगा। और आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उनके एंट्री गेट से ज़्यादा जो है एग्जिट गेट पे लाइन लगी हुई है। खुद कांग्रेस के लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि जो बेवकूफ़ियाँ उनके नेता, जो बचे खुचे नेता हैं वो कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से कांग्रेस का बंटाधार कर रहा है। और दिक्कत उनकी ये नहीं है, उनकी जो दिक्कत है कि भारत की धमक और मोदी की धाक को कैसे धूमिल करो। और मोदी की धाक और भारत की धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण जो इनकी बेवकूफ़ी है, जो धूर्तता है, वो खुद इनको धूल धूसरित कर रही है। आज देश जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आज देश में जो है वो परिवार के पालने से नहीं बल्कि परिश्रम और परिणाम से लोग जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि जो सामंती जो उनकी विरासत है वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो नहीं है भैया। अब सामंती विरासत की और सियासत जो होती थी और सामंती सियासत की विरासत जो है वो पूरी तरह से उड़नछू हो चुकी है, छू मंतर हो गई है। और जब तक ये बात, वो हकीकत इस देश के बदलाव की, इस देश के परिवर्तन की नहीं समझेंगे तब तक उनको इसी तरह की मुँह की खानी पड़ेगी। एक चीज़, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज संसद जो है वो संसदीय या संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं से चलती है। आज जो है वो इनके जो सामंती अहंकार, अराजकता, उद्दंडता से नहीं चलती, लेकिन इनको लगता है कि ये सामंती अहंकार, उद्दंडता और अराजकता से संसद को हाईजेक कर पाएंगे या कर लेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए मेरा यही मानना है कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने जो है वो कोई बाई चांस गलती नहीं है बल्कि बाई चॉइस की गई गलती है। एक बार नहीं है, सैकड़ों बार है, जब देश में, दुनिया पूरी देश को, भारत को सम्मान कर रही है। आज पूरी दुनिया जो G20 है वो भारत मेज़बानी भी कर रहा है, अध्यक्षता भी कर रहा है। ऐसे मौके पर आप दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, भारत की डेमोक्रेसी पूरी तरह से डिमोरलाइज है, पूरी तरह से संसद जो है वो हाईजेक हो चुकी है, संसद में संसदीय नियम, संसद मर्यादाएं ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि आज डायनेस्टी के डिमोलिश होने से इनमें डिप्रेशन आ गया है। और डायनेस्टी से के जो परिवार तंत्र है उसका, जो जिस तरह से उसका पतन हो रहा है, उस पतन से ये परेशान है। और उनको लगता है कि प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र का ही गुलाम रहना चाहिए, प्रजातंत्र जो है वो प्रजा का के साथ नहीं होना चाहिए। और इसलिए इस तरह की बेवकूफ़ी बड़ी और बेहूदगी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसलिए अगर यही करते रहेंगे तो रस्सी तो वैसे भी जल चुकी है और बल भी जो है वो निकल जाएगा खुद। अब असल में दिक्कत इनकी ये हुई, विपक्ष के चौधरी बनने की चौधराहट की चिक चल रही है। और विपक्ष का चौधरी बनने की चौधराहट की चहलकदमी में, चहलबाजी में
ये जो है वो सारे के सारी मर्यादाएं भूल गए हैं। ये भी नहीं पता समझ में आ रहा है कि 2024 हो या उसके आने वाला दिन हो, अब ये परिवार तंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र जो है वो तय करेगा देश की तकदीर और तस्दीर तकदीर को।